नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशि मित्र। एक बच्चा पुलिस वाले से इस कदर इम्प्रेस हुआ कि खुद टीआई के पास पहुंच गया क्लास लगवाने। वही पुलिस वाले जिसका नाम सुनते ही बच्चे तो छोड़िए बड़ों का भी पसीना छूट जाए, लेकिन ये बच्चा रोज आता है पुलिस वाले के पास अपनी क्लास लगवाने। ये मामला इंदौर का है, जहाँ एक बच्चा पुलिस वाले के पास पहुँचा और बोला कि मुझे भी पुलिस वाला बनना। तो उस बच्चे की मेहनत देख खुद टीआई ने उसे पढ़ाने के लिए वक्त निकाल लिया। हमारे थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला है बड़ी गोल टोली, यहाँ पे थोड़ा नोटोरियस लोग रहते हैं। जब मैं यहाँ पे लॉकडाउन के समय घूमता था, लोगों का पालन करवाता था लॉकडाउन का, उस समय ये बच्चा मुझे मिलता था और उसकी बड़ी लक थी कि मैं पुलिस बनूँ। ये देखता था हमको काम करते हुए, तो उसको लगता था मैं पुलिस बनूँ। तो इसने मुझसे बोला मुझे पुलिस बनना है, तो मैंने कहा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसने कहा मैं आपसे पढ़ूँगा और मैं एक्सरसाइज भी करूँगा। तो ये दौड़ने भी लगा और मुझसे पढ़ने भी लगा। डेली जब मेरी ड्यूटी ऑफ होती है, जब मैं चेकिंग करके यहाँ आता हूँ, तो ये पास में रहता है, आ जाता है और करीब एक डेढ़ महीने से लगातार मुझसे पढ़ रहा है। इसको मैथ्स और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। सर, किस तरह का बैकग्राउंड है फैमिली का? ये बहुत गरीब फैमिली का बच्चा है। इसने मुझसे कहा था कि साहब मैं ट्यूशन तो नहीं पढ़ पाऊँगा। तो इसके पिताजी टिफिन सेंटर चलाते हैं और दादाजी ठेले लगाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चे राज की मेहनत के कायल हो जाएंगे। राज छठवीं क्लास में पढ़ता है और कहता है कि उसे पुलिस वाला ही बनना है। अगर किसी दिन विनोद दीक्षित को देर हो जाती है तो वो 11 बजे तक इंतजार करता है और फिर पढ़ाई करता है। राज के दादाजी की माने तो उसने ठान लिया है कि उसे पुलिस में ही जाना। उसकी पढ़ने की ललक है और वो चाहता है कि मैं पुलिस अफसर बनूं। और हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। उसका धंधा करता हूँ अभी और उसके पिताजी टिफिन सेंटर चलाते हैं। अभी 4 महीने से टिफिन सेंटर बंद है, तो वो अपना उसमें सेल्समैन कर रहा है। वो जैसे नेट पे भेजते हैं ना सामान घर घर, उसकी ड्यूटी कर। इस बच्चे के जज्बे को सलाम है, जिसने इतनी छोटी उम्र में ही ठान लिया कि उसे आगे चलकर क्या बनना है। स्ट्रीट लाइट के नीचे तो जीप के बोनेट पर या टेबल की कुर्सी पर जहां जगह मिली, जब समय मिला तभी पढ़ लिए। इसी लगन की वजह से इंदौर के टीआई इस बच्चे के टीचर बन गए।